जाएगा। जाता हुआ अच्छा लगता है क्या? हाथ आगे निकालो सभी लोग। कैसे मार्केट में पैसा जाएगा? प्रैक्टिकल करो ताकि कभी खर्चा नहीं करोगे बाजार में। पैसा जाएगा, दूसरे की जेब में गया सारा। हेलो, ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार से सामान लेंगे तो पैसा जाएगा, आरसीएम से सामान लेंगे तो पैसा आएगा। बाजार से सामान लेंगे तो 100% मिलावट मिलेगी, आरसीएम से सामान लेंगे तो 100% शुद्ध मिलेगा। बाजार से सामान लेंगे तो जिंदगी भर बीमार रहेंगे, आरसीएम से सामान लेंगे तो जिंदगी भर जवान रहेंगे। क्योंकि बीवी आग लगाने का काम करती है।
जान मेरी रानी, चल ना तुझे खाना खिला के लाता हूँ। हेलो, पत्नी को लेकर आइए, पति पत्नी का बिजनेस है। जब आपकी बीवी इस बिजनेस में आ जाएगी, यहाँ पे कामयाबी की गारंटी और ज्यादा पक्की हो जाती है। क्योंकि कहते हैं पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए जैसे होते साहब। जिस दिन आपका परिवार इस बिजनेस में बैठ गया, आपका बच्चा जब बोलेगा पापा मैं आपको डायमंड के लंच पे देखना चाहता हूँ, आपके अंदर वो आ जाएगी जो दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर आग नहीं लगा सकती है। सर, आग नहीं लगा सकती। आदमी दुखी रहता है, अरे भगवान कितना खर्चा करती है, कितनी बातें करती है। ऑफिस से आके पूछता है बातें ही बनाई है या खाने को भी कुछ बनाया है। हेलो, आज तक खर्चा बाजार की दुकान में करते थे, बाजार को छोड़ के आसियम में करना है, महिलाएं कर सकती हैं। बातें इधर उधर की करते थे, आज के बाद बातें आसियम बिजनेस की करनी है, क्या कर सकती है, हमारे ब्लड में है आरसीएम का बेसिक। हेलो, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। महिला के ब्लड में होता है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो साहब। ये मूछ वालों ने कब्जा कर लिया है। वो महिला जो घर को सजा के रखती है, घर को संवार के रखती है, जितना मर्जी और घर सजा ले, साला नेम प्लेट बाहर मूछ वाले का लगता है। हेलो, पेट में 9 महीने बच्चे को वो पालती है और वक्त आने पे साला पेट भी कटा देती है, पर स्कूल में नाम साला मूछ वाले का लिखा जाता है। हेलो, आज ये बिजनेस में भी ये सारा सामान महिलाओं का है, पर इसमें भी कब्जा साले मूछ वालों ने कर लिया। ये मूछ वाले डायमंड तक आ चुके हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते साहब, हम क्यों नहीं आ सकते। सब लोग बेच सकते हैं,
वेरी गुड, एक बार तालियां हो जाए खुद के लिए। लोगों को प्रोडक्ट बेचने में शर्म आती है साहब, मैं लोगों को बताती हूँ कि प्रोडक्ट को नहीं बेचना, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, अगर बिकता है तो आपका विश्वास बिकता है, और विश्वास कब होगा जब आप 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे साहब। आज अमिताभ बच्चन टीवी में आता है और बोलता है रूठी बीवी को मनाना है तो कल्याण ज्वेलर से सोना लेके पहनाना है। हेलो, कितनी खुश हो रही है पीछे तो। फिर एक ऐड आती है और बोलता है अगर आपकी जिंदगी में आप कर्जा हो गया है, अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो अपनी बहन बेटी के गहनों को गिरवी रखिए और मुठूत फाइनेंस से 1% ब्याज में पैसा ले जाइए। साला टीवी से बैठा बैठा बीवी के बहन की बेटी के जेवर को गिरवी रखवा देता है, उसको शर्म आ रही है साहब। फिर एक ऐड आती है और बोलता है कि अगर आप जिंदगी में तंगी से परेशान हो गए, बीवी से परेशान है, बच्चे से परेशान है, कर्जा नहीं उतार पा रहे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, नवरत्न तेल लगा के ठंडा ठंडा घूल घूल रहने। क्या शर्म आई शर्म आई? हेलो, शाहरुख खान को पेंट बेचने में शर्म नहीं आती? और अक्षय कुमार ने तो हद ही कर दी है साहब, महिलाओं का सारा प्रोडक्ट बेचता है। हेलो, पिक्चर भी बना डालते हैं। अरे उन लोगों को शर्म नहीं आती, आप देखिए अभिषेक बच्चन आइडिया बेचता है, क्या शर्म आ रही है? ऐश्वर्या बेच रही है, क्या शर्म आ रही है? पर उन लोगों को शर्म नहीं आती, लोगों को पैसा कमाने के लिए झूठा प्रचार करने में शर्म नहीं आती, पर हमें आरसीएम बिजनेस में अपने सपने पूरे करने और हमें आरसीएम का सोना बेचने में शर्म आती है सब। हेलो, हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गर्व महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने भी ऐसा करना चालू किया, लोगों से बात करनी चालू की और धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बनना शुरू हो गया। क्या आप लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ? लोगों को बताते हैं ये आप हैं और आपके नीचे दो लोग। हेलो, वही पुराना काम बता रही हूँ जो आज तक करते आए हैं। ये है आपके दादाजी, दादाजी के दो बच्चे, ये आपके पिताजी, आगे इनके दो दो बच्चे। नेटवर्क बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? आरसीएम में कुछ नया नहीं करना, जो आज तक होता आ रहा है वही करना है। लोगों को बताते हैं भैया यहाँ पे एक गोला, नीचे दो गोले, आगे गोला गोला, बाकी साला तू भी गोला मैं भी गोला। हेलो, लोग जुड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग। और क्या बोलते हैं? जोड़ा जारी। और जोड़ा जारी लोग करना पसंद नहीं करते क्योंकि लोगों को तोड़ने की आदत है सर। भाई भाई को तोड़ा रहा है, पति पत्नी को तोड़वा रहे हैं, यस और नो। और क्या बोलते हैं इसको? चेंज सिस्टम। और क्या बोलते हैं इसको? मेंबर बनाने का धंधा, फंसाने का धंधा। जब भी बोलते हैं मैडम ये तो फंसने का काम है, मैं कहा साला फंसा तो तू पहले था, अभी तो फंसेगा। लोग बोलते मैडम इसमें नहीं छूटना हमें, ये चेन का बिजनेस है। मैं बोलती हूँ भैया मत छूट तू इसमें, हाथ जोड़ के बेनती है अपने शब्दों को थोड़ा ठीक कर लेना, ये चेन का बिजनेस नहीं साहब, ये तो चैन का बिजनेस है साहब, चैन का बिजनेस। बाहर बहुत तेज धमाधम बारिश हो रही है, 5 लाख रुपया अपना अकाउंट में आ रहा है, बाहर नहीं जाएंगे बारिश में मीटिंग करने तो भी साला पैसा आएगा, चैन का बिजनेस है कि नहीं? बाहर कड़क कड़क, आपने बाहर देखो एकदम कड़कती हुई सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, कंबल से निकलने का दिल नहीं कर रहा, पैर निकाल के देखा साला इतनी ठंड है, पैर अंदर, मीटिंग में नहीं जाना है साहब, 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है, चैन का बिजनेस है कि नहीं है साहब? टीवी बच्चे अच्छी जिंदगी को जी रहे, भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, अगर कुछ हो जाता है ऊपर स्वर्ग में जाके देखना, बच्चा साला जिस चीज पे हाथ रख देता है माँ बोलती है ले ले बेटा तेरा बाप पारसी हमसे लाखों की इनकम छोड़ दे। चैन का बिजनेस है कि नहीं है साहब? अरे नेटवर्क करना पड़ेगा अगर इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं।
जियो के मालिक ने की है साहब। कितने लोग जियो इस्तेमाल किए हैं? फ्री में बट रहा था, सब लिए साला लाइन लगा। हेलो, ये सुनो, जियो का मालिक बोला तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। मेरा मान भी लीजिए, रसोई में खाना बनाते बनाते देखते अपना सीरियल, कोई सीरियल साला मिस नहीं होगा। सबने जियो का स्वाद लिया। जब पूरा हिंदुस्तान बोला जियो रे जियो, मालिक जियो, आरसीएम का खूब लंबी उम्र जियो, मजा आया कि नहीं आया? जब पूरे हिंदुस्तान को मजा आया तो कंपनी का मालिक बोला साला 133 का रिचार्ज करके मजा ले अभी। हेलो, हमें भी यही करना है। जो व्यक्ति मिलता है उसको सामान दिखाओ मत। सामान दिखाते हो, ये देखो सोम पापड़ी, ये देखो चाय पत्ती, ये देखो नमकीन भुजिया, ये देखो हमारा एनर्जी ड्रिंक। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? कितने लोग सामान दिखाते हैं आरसीएम का? सामान बिकता है? झूठ, झूठ बोलते। अगर आप सामान दिखाते और आपका सामान बिकता तो साला सबके घर में कार की लाइन लगी होती। सब सामान दिखाने से नहीं बिकता है, सामान खिलाने से बिकता है। जब आरसीएम लोगों के पेट के अंदर जाएगी तभी साला 6 आरसीएम निकल के आएगी। लोगों को बुलाओ, आपके घर कोई आता है उसे आरसीएम की चाय पिलाओ, बोला बहन जी 1 कप नहीं 2 कप नहीं 3 कप पीजिए, आप चाय पियोगे मेरे बैंक में पैसा बढ़ेगा। लीजिए मैडम मुंह मीठा कर, यह आरसीएम की सोम पापड़ी। मुंह मीठा करते ही सोम पापड़ी मुंह में डालती साला मुंह से गायब। बोले कि मैम साहब कौन सी मिठाई खिलाई थी आपने? बोला और खाओ, हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। लोगों को खिलाओ, भुजिया खिलाओ, नमकीन खिलाओ, सोम पापड़ी खिलाओ, खाना खिलाओ। जब बोले वाह मजा आ गया, आरसीएम के पिकअप सेंटर ले जाओ, बोलो साला कार्ड बना के खुद का खरीद के खाओ। रिचार्ज कराओ, करोड़ों रुपए कमा रहा पूरे हिंदुस्तान से, क्या अपन खिला नहीं सकते क्या? अपना तो देश हमारा इंडिया आओ भगत बोलता है मेहमान को, मेहमान को बुलाइए, रिश्तेदार को बुलाइए, मुंह में आरसीएम खोम सोम पापड़ी फूसिए, बोलो अच्छा लगा, चल साला अब तू जिंदगी भर खरीद के खाओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं, हो सकता है। सोचना पड़ेगा, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। ये आरसीएम बिजनेस सिस्टम में आ जाओ, खाली सिस्टम में आना है। राशन पहले भी खाते थे, पौधे पहले भी करते थे, नहीं वो पहले भी बनाते थे, सामान ड्रम में सारा पहले भी ला के रखते थे। एक सिस्टम में आ जाइए। आज ये जो लाइटें चल रही है साहब, ये सिस्टम है। ये जो पंखे चल रहे हैं, ये सिस्टम है। ये जो माइक से मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये सिस्टम है। पंजाब से चल के आपके बीच में आके खड़ी हुई, ये सिस्टम है। सुबह सुबह एक आदमी धोती पहन के आता है और बोलता है सांस पहले भी लेते थे, सांस अभी भी लेते हो, सांस लेने के सिस्टम को बदल दो। एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, आपका जिंदगी बच जाएगा। मैं बोलती हूँ सर, खाना पहले भी खाते थे, खाना अभी भी खाना है, दुकान बदल के खाओ, आरसीएम में आके खाओ, आपका जिंदगी संवर जाएगा। क्या उतर सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? एक व्यक्ति, एक गरीब आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। ध्यान देंगे मेरी बातों को? मजा आ रहा है? खत्म करें प्रोग्राम, बोर तो नहीं हो रहे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए आधा घंटा रह गया है, और इस आधे घंटे में मैं आपको उस जिंदगी तक लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं था। हर आदमी आज दाल रोटी के लिए जी रहा है, पर दाल रोटी ही सिर्फ चलाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अपने सपनों को पूरा करना इस दुनिया में बड़ी बात होती है, क्योंकि सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हम इस दुनिया में।